अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबीउल अव्वल की खुसूसी लाइटिंग। लोगों ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, तो मेरा विजिट हुआ था बाहर जाने का, तो मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत रौनकें, बहुत ही प्यारा सजाया गया था रबीउल अव्वल की मुनासबत से। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसको देख कर ज़रूर पसंद करेंगे, और आप लोगों ने भी अपने घरों को सजाया होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों ने क्या सजावट की है, या आपके इलाके में आपके एरिया में कैसा सजाया गया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इतना खूबसूरत लग रहा था, रबीउल अव्वल की आमद है, 12 रबीउल अव्वल के दिन तो माशाल्लाह इतनी नियाज से नज़र दी जाती है। तो ये उसके मुनासबत से लोग लाइटनिंग करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दिन को मनाने का मकसद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को, उनके दिन को मनाना है, और नई नस्ल के लिए पैगाम है कि वो इस दिन को जो है वो आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं कि हमारे प्यारे आका जो इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए तमाम इंसानों के लिए एक मशले राह हैं, तो उनके तवसुत से उनके दिन की मुनासबत से इस दिन को मनाना, उसको सेलिब्रेट करना, अपनी आने वाली नस्लों को बताना इस दिन के बारे में, तो ये इसलिए इन चीज़ों का अहतमाम किया जाता है। स्पेशली स्कूलों में भी इवन फंक्शंस किए जाते हैं, और इलाके में मुकाबलेबाजी बाकायदा की जाती है इस अहतमाम को करके सजा कर। जो सबसे ज़्यादा अपने इलाके को अच्छा सजाता है उसको इनाम भी दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी काविश है कि लोग इस चीज़ को मनाते हैं, जिनके लिए दुनिया बनाई गई है उनके लिए ये दिन मनाना किसी त्यौहार से कम नहीं है, हमारे लिए तो ईद का समा है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में आपके रीजन में कैसे इस दिन को मनाया जाता है, क्या क्या अहतमाम किए जाते हैं, और क्या नज़र नियाज की जाती है, किस तरह से आप लोग इस दिन को मनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। रबीउल अव्वल के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।